गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक नया चैप्टर हमारा कृषि। देखेंगे इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, कितने प्रकार की कृषि है, उसको वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। अपने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। यानी किसान ने गेहूं बोया और उसमें खाद डाली और उसको अधिक उत्पादन किया और फिर मंडी में बेच दिया। उसके बाद में मंडी में कारखाने में गया, उद्योग में गया और वहाँ पर इसके बिस्किट और ये डबल रोटी बनाने वाले उद्योग में उनको विनिर्माण कर दिया गया। पौधे से परिष्कृत उत्पादन के रूपांतरण में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ सम्मिलित है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। तीन प्रकार की क्रियाएं हैं। पहले में गेहूं बोया, उसे कृषि कह दिया। दूसरे में द्वितीयक क्रिया में उद्योगों में गया, वहाँ डबल रोटी और बिस्कुट बना दिया। और तृतीय क्रियाकलाप में वो बाजार में यातायात के माध्यम से आ गया। तो तीन प्रकार की क्रियाएं हैं, आगे और आएगा इनके विस्तार पूर्वक, ठीक है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। अब जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे मृदा है, पानी है, हवा है, ठीक है, इनका हम सीधा उपभोग करते हैं, सीधा उपयोग करते हैं। मिट्टी है तो इनका सीधा उपयोग करते हैं, तो क्या हो गया, ये आएंगे प्राथमिक क्रिया में। कृषि, मत्स्य, मछली पकड़ना, संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। संग्रहण यानी इकट्ठा करना, जंगलों से इकट्ठा करना कुछ। द्वितीय क्रियाएं उन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, इस्पात विनिर्माण। और द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है, इस्पात विनिर्माण। पहले में क्या है, कृषि। अब कृषि करते हैं तो इसमें हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मृदा। ये कहाँ से मिलती है, प्राकृतिक से। इसके बाद में हमें पानी की, ये भी हमें प्रकृति से मिलता है, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो ये हम सीधा उपभोग कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्राथमिक क्रिया या प्रथम क्रियाएँ, ठीक है, प्रथम क्रियाकलाप। अब दो नंबर पर क्या है, जैसे द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, इस्पात विनिर्माण। मान लीजिए हमने कृषि से क्या किया, गेहूं उत्पन्न कर लिया, गेहूं काम गया, बाजार में गया और उसका हमने क्या किया, डबल रोटी बना ली, डबल रोटी, ठीक है। डबल रोटी बनाई है तो क्या हो गया, इसका गेहूं का रूप चेंज हो गया, विनिर्माण हो गया। तो जो इस प्रकार की जो क्रियाएँ आती होती है वो द्वितीय क्रियाकलाप में आती है। जैसे डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना, कपास हमने पैदा की कृषि से, ठीक है, वो कहाँ गई, बाजार में, और उसके बाद में उद्योग में, उद्योग में क्या हुआ, उसका रूप चेंज कर दिया, उससे क्या बन गया, कपड़ा बन गया, ठीक है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, ठीक है, इस्पात में क्या होगा, लोहा ऐसा कच्चा पदार्थ होता है, लोहा जो होता है उसको खदानों से खोद कर निकाला जाता है, कच्चा माल ट्रकों में भर के लेकर आया जाता है, उसके बाद में फिर इसका शुद्ध रूप है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, लोहा ऐसा लोहे से उद्योग में आया और फिर उसका रूप चेंज कर दिया और उसकी अलग अलग प्रकार से लोहे का निर्माण कर लिया हम, ठीक है।
कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। तृतीय क्रिया प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा प्रयोग प्रदान करती है। अब लोहा तैयार हो गया, मान लीजिए लोहा तैयार हो गया, ठीक है, यहाँ डब रोटी तैयार होगी, कपड़ा तैयार हो गया। प्राथमिक क्रिया में क्या हुआ? उत्पादन उत्पादन किया। द्वितीय में क्या हुआ? इनका रूप चेंज कर दिया गया, बहुमूल्य वस्तु बना ली गई। और तीसरे में क्या होता है? इनको यातायात के माध्यम से, यातायात, ठीक है, या फिर व्यापार। अब जो लोहा है उद्योग में पड़ा है, उसको व्यापारी खरीदेंगे, ट्रकों में भरेंगे और बाजार तक ले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बैंकिंग, बैंक की सुविधा है, बीमा और विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है? आपकी टीवी पर भी चलता रहता है, ठीक है, पोस्टर लगाए जाते हैं, यानी इनकी मशहूरी की जाती है, ये चीज़ है, इतने में मिलेगी और ये इसका फायदा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखा जाए, ये सारा जो काम है, ये सारा आता है तृतीय क्रियाकलाप में। देखो, द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। अब ये जो सामान पड़ा है हमारे उद्योग में, इनको सहायता कौन करेगा? यातायात करेगा, व्यापार करेगा, बीमा, विज्ञापन, ये सारी मशहूरी करेंगे, एड देंगे, तब जाकर ये वस्तुएं बिकेगी, ठीक है, और बाजार में भी ये यातायात और व्यापार इनके माध्यम से पहुंच पाएगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारे से तीन क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप किसे कहा जाता है। आगे है, कृषि एक प्रधान क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की दो तिहाई जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल शीतलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है, ठीक है। अब देखो, अनुकूल अनुकूल शीतलाकृति का मतलब क्या है? मान लीजिए हमें गेहूं बोना है, उसके लिए क्या चाहिए? समतल धरातल चाहिए। स्थलाकृति यानी समतल है, उपजाऊ मृदा चाहिए, ठीक है। फिर जलवायु कैसी है? तो गेहूं के लिए ठंडी जलवायु का होना जरूरी है, पकते समय गर्म जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। तो गर्म मौसम और ठंडा मौसम दोनों ही ये गेहूं की फसल के लिए है। जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की भूमि है, उपजाऊ मृदा है, जलवायु अनुकूल है, उसके बाद में देखा जाए तो मृदा आएगी आपका और व्यापार। अब गेहूं की जो फसल है उसको देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से भी लोग करते हैं, तो नज़दीक में बाजार होना जरूरी है, ठीक है। तो अधिक इस पे इसको उत्पादन करने में कॉस्ट, तो यहाँ तक आपके है ना, तीन पांच क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। कृषि किसे कहा जाता है? कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्राथमिक क्रिया क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप से क्या अभिप्राय है? और पांच नंबर है, तृतीय क्रियाकलाप को समझाइए। तो इस प्रकार आपके ये पांच क्वेश्चन यहां से आज कंप्लीट कर